तो फाइनली Realme X इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर Realme X के बारे में बात करने वाला हूँ। जिस तरह से इसकी चर्चा चल रही थी, वाकई Realme X वैसा स्मार्टफोन है? क्या यह स्मार्टफोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या किसी दूसरे स्मार्टफोन का हमें वेट करना चाहिए? इस स्मार्टफोन में कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी कमियां हैं? इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि साथियों आपकी एक लाइक हमारी मोटिवेशन को बढ़ाती है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं Realme X के फीचर्स पर। 6.3 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ हमें यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि थर्ड जनरेशन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर Realme ने हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो कि वाकई बहुत ही फास्ट है। कैमरा सेक्शन में हमें यहाँ पर 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेंसर मिलता है। इसमें जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है वो है सोनी का IMX586 सेंसर, जिसके माध्यम से हमारी फोटो क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया आने वाली है। और जो 5 मेगापिक्सल का सेंसर है वो है डेप्थ सेंसर। साथ में 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा सेंसर हमें प्रोवाइड किया है, जो कि आजकल का ट्रेंड है। तो कैमरा सेक्शन में Realme ने यहाँ पर सचमुच में बहुत ही कमाल किया है। हमें यहाँ पर 4K वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलता है और साथ में 960fps से सुपर स्लो मोशन वीडियो भी हम यहाँ पर शूट कर सकते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 710 मिलता है, जो कि Realme 3 Pro में यूज किया है। 3765 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, साथ में यहाँ पर क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और USB-C टाइप पोर्ट भी मिलता है। 4GB और 8GB के दो वेरिएंट्स मिलेंगे, यानी कि 4GB रैम के साथ 128GB और 8GB रैम के साथ 128GB। 4GB 128GB की प्राइस यहां पर रखी है ₹17,000 और 8GB 128GB की प्राइस यहां पर रखी है ₹20,000। ब्लू और व्हाइट, ये दो कलर वेरिएंट में ये स्मार्टफोन हमें मिलेगा। तो साथियों, यहां पर हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, इसके कैमरास बहुत ही बढ़िया है। इसमें सोनी का IMX586 सेंसर यूज किया है, USB-C टाइप पोर्ट मिलता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, इसके कलर्स काफी बढ़िया है, दिखने में यह स्मार्टफोन नंबर 1 है। इन सारी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि यह स्मार्टफोन डेफिनेटली हमें परचेस करना चाहिए। लेकिन साथियों, जिस तरह से Realme X की हाइप मार्केट में की गई थी, बिल्कुल उसी तरह का यह स्मार्टफोन नहीं है। जिस तरह से हर स्मार्टफोन में अच्छी बातें होती है, तो वहां पर कुछ कमियां भी होती है। अब मैं यहां पर बात करूंगा इस स्मार्टफोन के कमियों के बारे में। सबसे पहली कमी यहां पर है, इस स्मार्टफोन में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं दिया है। जितने भी इंडियन स्मार्टफोन यूजर है, वो लोग 2 सिम कार्ड के साथ में एक मेमोरी कार्ड का जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथियों Realme ने हमें यहाँ पर नाराज किया है। दूसरी बात, जिस तरह से इस स्मार्टफोन की प्राइस रखी गई है, उस प्राइस रेंज में यहाँ पर हमें ग्लास फिनिश डिजाइन के साथ स्मार्टफोन मिलते हैं, लेकिन Realme ने यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट के साथ Realme X इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। अगर हमें यहाँ पर ग्लास यूनिबॉडी का डिजाइन मिलता तो हम लोगों को बेहद खुशी हो जाती, लेकिन Realme ने ऐसा नहीं किया है। तीसरी बात, इस स्मार्टफोन में LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। बाकी स्मार्टफोन की कंपनियां, MI हो, ओनर हो, Vivo हो, LED नोटिफिकेशन लाइट प्रोवाइड करती है। चौथी और आखिरी बात, Realme X की बैटरी। Realme X में हमें 3765 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है। आप लोगों को याद होगा, Realme 3 Pro में हमें 4,4500 मिली एम्पीयर की बैटरी मिली थी, जिसमें स्नैपड्रैगन 710 यूज किया है। वही सेम प्रोसेसर Realme X में भी यूज किया है, तो हमें यहाँ पर कम से कम 4,000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन Realme ने ऐसा नहीं किया है, जिसकी वजह से Realme के काफी सारे यूजर्स नाराज हो गए हैं। तो साथियों, इन सारी कमियों को अगर आप लोग भूल जाते हो, तो डेफिनेटली Realme X आप लोग ले सकते हो। ये सारी की सारी कमियां अगर आपके दिमाग में है, तो ये स्मार्टफोन आप बिल्कुल भी मत लेना,
जिस तरह से Realme X की हाइप मार्केट में क्रिएट हो गई थी वैसा Realme X नहीं है। आप लोग Redmi K20 और Redmi K20 का इंतजार कर सकते हो। तो साथियों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपकमिंग स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।